हम इकट्ठे एक ही जगह पे प्राइवेटली रह रहे थे, उसने कोई शब्द बोला, मैंने कहा इसका मीनिंग बताओ, कहता सर पता नहीं, मैंने डिक्शनरी खोल, कहता जी वो क्या होती है, तुम बी एस सी एम एस सी कर लिए पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुमने डिक्शनरी नहीं देखी? बोला नहीं सर मैंने कभी डिक्शनरी देखी, मैंने डिक्शनरी निकाली उसको डिक्शनरी सिखाई कैसे देखते हैं, मैं एक स्तर बता रहा हूं। और उस इंस्टीट्यूट के मालिक ने उससे रुष्ट होकर यह बात कह दी कि मैं इसको कभी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पॉन्सर नहीं करूंगा। वो बच्चा रोने लगा, अरे हम आपको हजारों रुपए देंगे, आपसे ट्रेनिंग लेने आए हैं और इसीलिए आए कि हमें जॉब मिलेगी, और आप इसी को इसके सामने कह रहे नहीं मिलेगी और नहीं देंगे। तो मैंने उसको डायरेक्टर को बहुत पूरी तरह से डांटा, कहता है मैंने आपको ए वन ग्रेड देना था लेकिन आप नहीं दूंगा। मैंने कहा तुम अपना ए ग्रेड अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, तुम्हारा ग्रेड भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बच्चे के भविष्य के बारे में मैं आपसे, क्योंकि मैं उस समय मैरिड था और मैं तीन बच्चों का पिता भी था, और वो लड़का यंग जो अभी अपना भविष्य में पैर ही रख रहा है, मैंने कहा ये लड़का एक दिन आपको फोन करके बताएगा कि मैं कहां हूं। और उस बच्चे उस बालक ने मेड मेकर में जो उसकी चाहत थी मेडिकल रैप लगा, उसका फोन आया, अंकल मैं बहुत खुश हूं, क्यों कि उसके आत्मविश्वास को जगा दिया था। डिक्शनरी वाली बात मैंने इसलिए बताई कि उसको यहां तक भी नहीं पता था, लेकिन आत्मविश्वास जब जग गया तो उसके पेरेंट्स की भी चिट्ठी आई और उन्होंने धन्यवाद किया कि जो काम हम नहीं कर पाए वो आपने किया। मेरे लिए आप सब एक एक बालक एक एक युवा यहां पर बहुत कीमती है। आप कभी भी अपनी कोई भी समस्या, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक लेकर चर्चा कर सकते हैं। एक ही बात दूसरे से नहीं कहता, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास इतना ऊंचा हो जाना चाहिए, इतना 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 आपका विश्वास बढ़ जाना चाहिए कि आप स्वयं गर्व से कहें अरे मैं बिहारी हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। अरे मैं बिहारी हूं महात्मा बुद्ध बाबा। मैं बिहारी हूं जयप्रकाश नारायण बाबा। आप ये कहें कि जिस दिन मैं चाहूंगा हिला के रख दूंगा, ये वो आत्मबल चाहिए। ये शब्द आपकी डिक्शनरी से मिटा दो, तीन शब्द ध्यान रखना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वरी, नंबर दो टेंशन, नंबर तीन डिप्रेशन। ये आपकी डिक्शनरी में आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप सच्चे बिहारी। अरे चिंता किस लिए, किस बात की? चिंता करने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है, ये ध्यान रखना। वो ईश्वर में श्रद्धा आस्था निष्ठा विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वो अपने बारे में अपने आप अकेले में ही सोचता रहता है, वो उसको भूल ही जाता है। लेकिन आप जहां बैठे हैं यहां, सबसे पहले आपको भगवान के प्रति आस्था निष्ठा श्रद्धा विश्वास सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपके गले उतारा जा रहा है, आपके मन मस्तिष्क में बिठाया जा रहा है। जब ये बैठ ही गया है फिर चिंता किस बात की, काहे की चिंता? करना है तो चिंतन करना, चिंतन करना और देखना, आप सीधे उससे जुड़कर उससे बातें करेंगे। और मैं स्वानुभूत आपको कह रहा हूं, मेरे जीवन में चिंता शब्द नहीं, मैं कभी चिंता नहीं करता।
भाई दो ही तो चीजें हैं, या तो हमारा अस्तित्व, चाहे वो नौकरी में हो, जैसे आपने बताया उन्होंने गोली मारी और मर गए। अरे ये कौन सी चीज, कौन सी बात हुई तुम्हारी, कौन सी दिलेरी हुई भाई? तुमने अगर सिगरेट पिए, बीड़ी पी, सब तंबाकू खाया, शराब पी, और जैसा आपने कहा नेटवर्क वगैरह देखा किया, अरे वो ना करते यहाँ आते, यहाँ की युवा मंडल में बैठते तो गोली नहीं मारते। और आज आप इनका उपहास उड़ाते हो कि बाबा बन गए, साधु बन गए। हमें तो ये पोशाक हमारे गुरु ने यूनिफॉर्म के तौर पर दी है कि बेटे तेरी पहचान होगी। और उसके बाद है टेंशन। किस बात की टेंशन, काहे की टेंशन? जैसे मनीष जी कह रहे थे नौकरी, अरे नौकरी तो आपके कदम चूमेगी। मैं अभी एक बिहारी बच्चे से पिछले 6-8 महीने में मिला हूं, वो सबको ओवरटेक करते हुए पूरी फुल फ्लेज मैनेजर बन गया। और उसके जितने भी संगीत साथी थे सब हैरान हो गए, ये क्या हुआ? आज भी वो बच्चा अपने आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ है। मुझे गर्व है कि वो बिहारी। और अब रही बात डिप्रेशन की, भैया किस बात का डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन? हम तो दूसरों को उठाते हैं तो खुद क्यों गिरेंगे? इनके पास कभी डिप्रेशन आया हो तो बता दो, एक दिन भी किसी ने देखा हो इनके चेहरे पे? इनके और जो साथी है सबके चेहरे खिले हुए, तो कहां से आया डिप्रेशन, क्यों आएगा डिप्रेशन, किस लिए बुलाना है डिप्रेशन को? डिप्रेशन से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है भाई। आप आत्मबल के धनी बनो, आत्मविश्वास के धनी बनो, और एक पताका एक मशाल लेके चलो। वो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, उसको दिन में 2-3 बार जरूर पढ़ता, अगर किसी को याद हो तो दोहराए। आओ हम सब आज बनाए, आओ हम सब आज बनाए। देखो ये बोलने के लिए नहीं बोलना, दोहराने के लिए नहीं दोहराना, फिर से वही बिहार, जिसके सामने झुक जाएगा यह सारा संसार। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। जैसे भारत की संस्कृति को मिटाया गया, यहां की संस्कृति को भी दबाया मिटाया गया, लेकिन कोई तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमें कोई मिटा नहीं सकता। आप किसी भी स्तर पर हो, आत्मविश्वास से सिर उठाकर, लेकिन गुरुदेव के 4 सूत्र हैं वो ध्यान रखना, समझदारी, अगला बोलिए ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। इन 4 शब्दों पर चिंतन करना, सारा जीवन चिंतन करोगे, एक एक शब्द आपको प्रगति के पथ पर लेता चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। समझदार आदमी बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को भी समझा सकता है, उसको हैंडल कर सकता है। अरे सीनियर्स तो क्या, टॉप सीनियर भी होंगे ना, उनको भी हैंडल कर लेता, क्योंकि उसके पास क्या है, कौन सी दौलत है, समझदारी। लेकिन समझदारी बेटे अकेले नहीं चलेगी, समझदारी के साथ में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। समझदार तो हो गए, इंटेलिजेंट तो हो गए, लेकिन ईमानदारी नहीं है व्यवहार में। ईमानदारी, मैं इसके ऊपर आपसे फिर दोबारा भी कभी चर्चा करूंगा यदि अवसर मिला तो। समझदारी, ईमानदारी,
जिम्मेदारी। एक बार आपने अपने मुंह से किसी को कोई वायदा कर दिया है, याद रखना अगर आपने अपनी जबान से वायदा किया है तो आप अपनी जबान की कीमत खुद लगाना, फिर मुकरना नहीं, बदलना नहीं। कह दिया तो कह दिया, ब्रह्म वाक्य हो गया कि मैंने कहा है मैं करूंगा। क्यों? अगर अपनी बात की इज्जत हम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिम्मेदारी। और बहादुरी को आप डिफाइन करना, बहादुरी में है कि जब जहां नो करना है वहां नो करना है, जहां यस करना है वहां यस करना है, जहां बुराई है वहां अड़ जाना है, जहां अच्छाई है वहां पे उसके साथ चलना है। ये हमारी बहादुरी है। तो मैं आपके सामने एक ही बात कहूंगा, मैं आपसे बहुत आशान्वित हूं, मुझे आपके अंदर बहुत सुंदर भविष्य दिखाई देता है और आप गायत्री परिवार के टॉर्च बीयरर्स बनके भारत ही नहीं विश्व में छाएंगे। मैं बात आज छोटी करना चाहता हूँ, बोलने में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने बिहार के लोगों को, खास तौर से गायत्री परिवार के लोगों को अपने देश से बाहर भी देखा है, उनके साथ इंटरेक्शन खूब लंबा भी हुआ है। मैं जानता हूँ कि वो कितने दिलेर हैं और आप भी बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं।